कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बेसर गणित के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर गणित बेसर पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इससे पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। और साथ ही आपका यहाँ पर गणित बेसर का संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और आप यहाँ पर डेली समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक 75 अंक रहने वाला। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, और सदस्य सीमा आपके 30 शब्द, ठीक है। फिर आपका चौथा निर्देश आता है 5वां, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर लाइक का बटन है, उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर गणित विषय पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 96 और 404 का SCF होगा, तो आपको 96 और 404 का SCF निकालना है, ठीक है। आपको SCF निकालते हैं आपसे बनता होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है 120, बात आपका 4 और 7 आपका 10 और दाता 3, तो आपको 96 और 404 का SCF रहेगा आपका 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट आप यहां पर देख लीजिए, फिर आपका दूसरा आता निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो आपका आता √2, बात √3 और 7 आपका √5 और दाता उपरोक्त सभी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा उपरोक्त सभी। जो आपका √2 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या, √3 भी आपकी अपरिमेय संख्या और √5 भी आपकी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बहुपद x^2+7x+10 के शून्यक होंगे, तो जो आपका बहुपद दिया गया इसके आपको शून्यक बताना है, क्या रहेंगे। तो आपका आता 2, 5 और बात आपका -2, -5 और 7 -2, 5 और दाता आपका 2, -5, तो यहाँ पर बहुपद x^2+7x+10 के शून्यक होंगे, तो इसका आंसर आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा -2 और -5, ठीक है, आपके शून्यक रहेंगे। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखीय समीकरण है, तो इसका आपका ठीक है, आपको रेखीय समीकरण बताना है। तो यहाँ पर रेखीय का मतलब होता है कि समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले समीकरण में आपकी 2 की घात है, इसमें भी आपकी 2 की घात है और इसमें भी आपकी 2 की घात है, लेकिन जो आपका दा वाला दिया गया 5x+6y=7, इसमें आपकी कोई घात नहीं है, तो ये आपका रेखीय समीकरण हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 5वां था समीकरण x^2+x-1=0 के मूलों की प्रगति होगी, तो जो आपका समीकरण दिया गया इसके आपको मूलों की प्रगति बताना कह रहेगी। तो आपका तो वास्तविक और समान, बात वास्तविक और भिन्न, और साथ कोई वास्तविक मूल नहीं और दाता इनमें से कोई नहीं, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया समीकरण x^2+x-1=0 के मूलों की प्रगति होगी, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा वास्तविक और भिन्न, ठीक है, वास्तविक और भिन्न आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था बिंदु -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका जो यहाँ पर -- चिन्ह रहता है आपको पता होगा, -- का चिन्ह रहता है आपका तृतीय चतुर्थांश का, तो इसका आंसर आपका तृतीय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से देख लिए होंगे। आप प्रश्न 2 आता आपके यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला था √2 एक नोटो संख्या है, तो यहाँ पर √2 एक आपकी अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। फिर दूसरा था रेखीय बहुपद ax+b का शून्य .. है, तो यहाँ पर रेखीय बहुपद ax+b का शून्य आपका हो जाएगा -b/a। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था समीकरण 2x+3y=5 में यदि x=1 तो y का मान .. होगा, तो आपको y का मान निकालना, तो y का मान निकालने के लिए जो आपका x=1 दिया गया है, तो आपको ठीक है इस समीकरण में x का मान रख देना है, तो आप यहाँ पर x का मान यहाँ पर रखेंगे, तो जो आपका इसका आंसर निकल के आएगा वो आपका रहेगा 1, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका था चौथा द्विगत समीकरण ax^2+bx+c=0 की विभक्तक का सूत्र d होता है, तो आपको यहाँ पर विभक्तक का सूत्र होता है ना, तो आपका विभक्तक का सूत्र होता है b²-4ac। फिर आपका था 5वां सभी नोटो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर आपका 6वां था 9 और 7 का समांतर माध्य .. होता है, तो यहाँ पर 9 और 7 का समांतर माध्य होता है आपका 8, इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 3 आता है आपका सत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला था प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ये पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा द्विगत बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो स्टूडेंट आपका यह सत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर
तीसरा आता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणनफल के बराबर होता है, तो यह आपके यहाँ पर 70 रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है जब डी बराबर 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो आपका यह बिल्कुल 70 रहने वाला, ठीक है, तो यार अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पाँचवा आता बीजे व्यंजक एक्स का 2 - 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7 बहुपद नहीं है, तो आपका यह बिल्कुल 70 रहने वाला है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, छठवां यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपका यह बिल्कुल 70 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 70 आ सकते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे देख लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है, आपकी यहाँ पर आती है 6 नंबर की सही जोड़ी स्तंभ अवयव में दी गई है। पहली आती है आपकी 9 और 27 का एलसीएम, तो जो 9 और 27 का एलसीएम आपका रहेगा तो स्टूडेंट वो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है, आपको 27 से मैच करना है पहली। फिर दूसरी आती है दुर्गत भगवत ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, तो जो इसके शून्यकों का योग रहेगा वो आपका रहेगा माइनस बी बटे में ए, ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है एक्स प्लस 2y + 3 बराबर 0 में यदि एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर, ठीक है, वाई का मान निकालना है, तो आपका एक्स बराबर 0 दिया गया है, तो आपका एक्स का मान यहाँ पर इस समीकरण में रख देना है, तो जो वाई का मान निकल के आएगा वो आपका रहेगा -3/2, ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी, ये आपकी तीसरी रहेगी। फिर जो आपके यहाँ पर आती है द्विगत समीकरण एक्स एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल, तो जो आपके यहाँ पर द्विगत समीकरण दिया गया है इसके आपको मूल बताना है, तो जो इसके मूल रहेंगे वो आपके हो जाएंगे 0 और 3। फिर आपके यदि पाँचवीं आती है समांतर श्रेणी का एन पद, तो आपका यहाँ पर समांतर श्रेणी का एन पद का सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। जो छठवीं आती सभी संभव त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर सभी संभव त्रिभुज होते हैं आपके समरूप, तो आपको समरूप से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और प्रश्न 5 आता है आपका एक सदभाग में, तो दीजिए 6 नंबर के आते हैं, तो पहला था द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। फिर आप कहता है रेखीय समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 में यदि एक्स बराबर -2 वाई बराबर 5 हो तो एम का क्या मान होगा, तो इसमें आपको एम का मान निकालना है, तो सिंपली से आपका एक्स बराबर -2 दिया गया, वाई बराबर आपका 5 दिया गया, तो आपको इस समीकरण में यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई का मान रख देना, तो जो आपका एम का मान निकल के आएगा वो रहेगा आपका एम बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, एम बराबर आपका 1 रहेगा, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका कहता है -2, 4, 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो आपको सर्वांतर निकालना, ठीक है, तो आपका, ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद आपका 4 है और प्रथम पद आपका -2 है, ठीक है, द्वितीय पद में से आपको -2 घटाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर रहेगा वो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका सर्वांतर 6 रहेगा, ठीक है, डी बराबर आपका 6। फिर आपका आता है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका आंसर लिखना हाँ, ठीक है, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर आपका पांचवा आता समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण होता है कहलाता है, यहाँ पर समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह, ठीक है, वह कहलाता है वर्ग समीकरण, आपका इसका आंसर वर्ग समीकरण हो जाएगा, ठीक है, वर्ग समीकरण ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वर्ग समीकरण इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका तब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0, 0, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाते हैं, एक साथ बाकी मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब पूरी ऑब्जेक्ट हमने करा दी है, प्रश्न आपका 6 आता है संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ठीक है, संख्या 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना है, पहले 135 को आपको पहले 3 से काटना है, ठीक है, फिर आपको आपके यहाँ पर 45 आ जाएगा, फिर आपको 3 से काटना है, फिर 3 से, फिर 5 से, तो फिर आपको यहाँ पर 225 को 3 से काटना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो इसका एचसीएफ रहेगा आपका 3 × 3 × 5 बराबर 45, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, तो इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना है। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर प्रश्न आता है, ठीक है, इसका अथवा एचसीएफ 3 × 6 और 6 × 57 का आपका 9 दिया गया है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि संभव हो तो माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तब परिभाषा से 5 - √3 बराबर p/q बराबर 5 - pq बराबर √3 या
ठीक है, 5 q - p / q = √3। √3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 q - p / q एक परिमेय संख्या जो कि एक विरोधाभास है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखते जाना और साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जो आपका ऊपर का प्रश्न साथ ही जो आठवां का, दोनों में से हम आपको एक आंसर कराने वाले हैं। फिर आप साथ में एक आठवां भी देख लीजिए। फिर आपका आता 8 * 4 u² + 8 u के शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके जो शून्य रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर जो इसका अर्थ हुआ था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। फिर आपका यहाँ पर आता है बहुपद x² + 2 + 4x + 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो जो इनके गुणनफल रहेंगे और जो इसका आपके यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, द्विघात बहुपद x² + 2 + 7x + k के शून्यकों का गुणनफल 10 है, तो k का मान निकालिए, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पर आंसर है इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। फिर आपका 10वां आता है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर माना पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई है, तो प्रश्न अनुसार तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आपका यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा दो संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां आता है, ठीक है, समीकरण 1 में x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और जो आपके यहाँ पर इसका जो अथवा दिया गया, ठीक है, तो अथवा आपको जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए दिए गए, देखिए समीकरण 1 में x + y = 14 x - y = 4, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए x = 14 - y, एक्स के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इस तरह से आपको x = 9 y = 5 आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा जिसमें आपको विलोपन विधि से हल करना है। फिर आपका 12वां आता दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर, ये आपका पूरे यहाँ पर आंसर दिया गया, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका वाला अथवा वाला दिया गया द्विघात समीकरण x² + 2 + 5x + 6 = 0 के मूलसूत्र विधि से ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां आता द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको ठीक देखा सॉरी जो इसका आपका अथवा आता है तो अथवा देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x + 2 + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के 2 बराबर मूल हों, ठीक है, और इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया 2 बराबर आपका मूल हों, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 13वें का वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें का आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, या सॉरी ये आपके यहाँ पर 13वें का आंसर है ये वाला, ठीक है, ये आपका 13वें का आंसर, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है सॉरी जो आपका 13वें का जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका आंसर करा दिया, ठीक है, अथवा का नहीं कराया, ऊपर वाले का कराया हमने। फिर आपका था समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो जो इसका 10वां पद आपको निकालना है वो किस तरह से निकालना है तो अब वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां पद आपका इस तरह से निकालना है, ठीक है, प्रथम पद आपका a = 10 और आपका, ठीक है, n बराबर पदों की संख्या n = 10 रहेगा और आपका यहाँ पर सर्वांतर d रहेगा 7 - 10 = -3, तो आपको सूत्र में मान रख देना, ठीक है, आपको an = a + n - 1d में आपको, ठीक है, मान रख देना, तो आपका 10वां पद - 17 आ जाएगा, ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 15 प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, तो आपको जो यहाँ 15 प्रश्न दिया गया जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको 22 पदों का योग निकालना है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए जो आपकी इसका अथवा आता 0 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 16वां आता आकृति में d = bc ec निकालिए, तो आपको ec निकालना है और आपको ec किस तरह से निकालना वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से निकालना, ठीक है, आपका d = bc दिया गया था, तो ad / db = ae / ec,
ठीक है, इस तरह से आपको मार रख देना है तो आपका ईसी निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा जिसमें आपको एडी निकालना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है 17वां, तो जो आपके इस 17वें का अथवा दिया गया आधारभूत ठीक है अनुपात का प्रमेय थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको त्रिभुज बनाना है, फिर आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर परिभाषा हो जाती है। पूरी आपको याद करना, जिस तरह से हमने आंसर आपको दिखा रहे हैं पूरा आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर आता है प्रश्न आपका 18 था, एलसीएम 306 और 657 का आपका 9 दिया, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। और साथ ही आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आपको एलसीएम निकालना है वो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 22,338 रुपये यानी 22,338 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 2×T² - 15 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आपका जो इसका यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है और 21वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आप देख लीजिए और आपका जो 22वां प्रश्न है 22वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 23वां, तो आपका 20वां और 21वां 22वां 23वां का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।